अब मैं इस गुनाह के बोझ को नहीं ढो सकता। सारी जिंदगी ये गुनाह मुझे कचोटता रहेगा। अभी रमजान के इस बात मौके पर अगर मैं अपने गुनाह कबूल ना कर पाया तो कभी नहीं कर पाऊंगा वो, और अल्लाह भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। रमया, ये सब अल्लाह की ही मर्जी है। अल्लाह चाहते हैं इस बात मौके पर मैं अपना गुनाह उनसे कबूल करूं। और वैसे भी अपने इस बोझ को ज्यादा दिनों तक नहीं ढूंढ सकता। मुझे पुलिस को सब कुछ सच सच पता नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है रबिया, फर्क पड़ता है। 8 साल पहले किए गए गुनाह को आज कबूलने से भी फर्क पड़ता है। 8 सालों से ये गुनाह मुझे कचोटता है, कुरेद रहा है। हर पड़ी हर घड़ी मेरा दुख घुटता है। साइनाथ का खून से लथपथ हो जाएगा। मुझे देख के चीख चीख के कहता है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जब शरीफ जा रहा हूं, वहां से लौटने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच बता दूंगा। तुम्हारे तब भी साइनाथ की पाक रूह मुझे माफ कर पाएगा कि नहीं, पर अपने किए गए गुनाह के लिए अल्लाह से माफी की दरख्वास्त करो। माफी की दरख्वास्त करो।